अब थर्ड है हमारा बर्स्ट टेंस। बर्स्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई रहते हैं और इसमें हमारी जो पल्स विद होती है वो शॉर्ट पल्स विद होती है हमारी। लाइक इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हाई रहेगी, पल्स शॉर्ट रहेगी और इंटेंसिटी जो है वो हाई करंट ही यूज करेंगे हम, ठीक है। देन इसमें आता है बर्स्ट टेंस क्या होता है, एक तरीके से हमारा बर्स्ट टेंस इज अ सीरीज ऑफ इंपल्स फॉर रिपीटेड 1 से 5 पर सेकंड तक, यानी कि 1 से 5 टाइम तक ये पर सेकंड बीट करता है, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं इसके इंडिकेशंस पे। इंडिकेशंस वो जगह जहां पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके कहां कहां ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला आ गया हमारा क्रॉनिक पेन सिंड्रोम में, कोई भी हमारी क्रॉनिक पेन है उसके लिए हम टेंस मोडालिटी यूज करेंगे। फैंटम लिम्ब पेन है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम फैंटम लिम्ब पेन में टेंस यूज करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, ऑब्स्ट्रक्टिव पेन में, लाइक प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पेन होता है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर 3 मंथ के बाद टेंस को यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके से हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी आ गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है, हम फर्स्ट 3 मंथ तक प्रेगनेंसी के टेंस को यूज नहीं करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा हेमोरेजिक कंडीशन ओवर ओपन वुंड। ओपन वुंड में कभी भी हमारी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट होती है या टेंस की प्लेसमेंट नहीं करेंगे, उसके आसपास के जितने भी सरफेस एरिया है उसमें हम टेंस का यूज नहीं करेंगे। ओवर द माउथ, माउथ के पास नहीं करेंगे, नियर के पास नहीं करेंगे, ओके।